कांग्रेस सेवा दल के हिमाचल प्रदेश के सचिव और ऊना जिला के प्रभारी मदन लाल कोंडल की अध्यक्षता में कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉकों के अध्यक्ष व जिला की कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी के साथ संगीता शर्मा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस दल की सह सचिव ने जिलाधीश हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हिमाचल प्रदेश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से गुजर रहा है, इसमें जयराम सरकार विफल रही है और हम ये मांग करते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हुआ है उस मामले में उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच करवाई जाए। साथ ही भाजपा सरकार से ये मांग की है कि जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में मजदूर कामगार मजदूर भाई और मनरेगा कर्मी व लघु उद्योग से जुड़े हुए हमारे किसान भाई बागवान और मध्यम वर्ग में जो दुकानदार आते हैं इसमें उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में ध्यान दिया जाए व इनकी आर्थिक सहायता की जाए। उन्होंने कहा कि झूठे आश्वासन न दिए जाएं जो भाजपा सरकार आज तक देती आई है। साथ ही कांग्रेस सेवा दल ने ये भी मांग की कि जब से अपने राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली है उस समय से लेकर आज तक निष्फल रहे हैं और ना ही आपका उच्च अधिकारी आपका कहना मानता है और ना ही आपकी उनके ऊपर पकड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में सभी वर्गों के लोग आपकी कार्यप्रणाली से नाखुश हैं, तो हम कांग्रेस सेवा दल आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं। अतः आप ये भी न भूलें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ आप स्वास्थ्य विभाग की बागडोर भी अपने हाथों में है। उन्होंने कहा कि अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया तो हिमाचल प्रदेश का पूरा कांग्रेस सेवा दल व पूरी कांग्रेस पार्टी अनुराग शर्मा जो कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर पर आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर मदन लाल कोंडल, संगीता शर्मा सुजानपुर के सवाल दल के अध्यक्ष राजेश्वर कटोच, हमीरपुर ब्लॉक उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण भोरंज, ब्लॉक के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार कन्हैया लाल, बैश्री लाल, जोगिंद्र पाल, ज्ञानचंद, मोजी राम व अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके प्रति आज हमारा जो हिमाचल प्रदेश का पूरा जो सेवा दल है वो जिला भीष्म महोदय के हर जिले में जो अब सेवा दल जो अब पूरा उनको विज्ञापन दिया जा रहा है, उस विज्ञापन में हमने मांग रखी है कि स्वास्थ्य विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके प्रति जो हम जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं कि आप स्वास्थ्य विभाग भी आपके हाथ में है, आप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के और आपके नीचे जो आपका जो आपके होते हुए भी ऐसा भ्रष्टाचार हुआ उसके प्रति हम जो वो आपसे इस्तीफे की मांग करते हैं और इसके लिए हम पूरा सेवा दल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश की हम मांग करते हैं कि जो हमारे अपने उच्च न्यायालय के जो हमारे जज हैं सिटिंग जज हैं उनसे जो वो इसकी जो इंक्वायरी करवाई जाए। साथ ही हम इतना बोलना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जैसे कोरोना बीमारी फैली है ऑल इंडिया में तो हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त त्राही त्राही मची हुई है तो उसके लिए भी जयराम की सरकार जो वो इसमें फेल हो चुकी है। हर घर में हर लोग जो वो इसमें हर विकास कार्य जो ठप पड़े हैं यहाँ पर और लोगों के लिए वो बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है यहाँ पर। तो हम मांग करते हैं कि जैसे हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, हमारे बागवान हैं, छोटे छोटे लघु उद्योगों के जो हमारे कर्मचारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, मध्यम वर्ग जो हमारा गरीब परिवार है, जो मध्यम वर्ग के जो हमारे जितने भी लोग हैं मध्य प्रदेश के अमूर के लिए जो वो आर्थिक सहायता की मांग करते हैं। साथ ही हम आश्वासन धोखे वाला आश्वासन नहीं चाहते, हम जो असली आश्वासन वो चाहते हैं वहां से। अगर हमारे जैसे हमारे राजीव मंत्री जी वो शरण के वो शरण कराते हैं और मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के हाथ में है तो हम मांग करते हैं कि ये जो इस्तीफा जो वो मतलब जयराम जी को देना चाहिए ना कि राजीव बंदल जी को देना चाहिए, वो तो समझ जा रहे हैं। तो हम सभी कांग्रेस वाले जो कांग्रेस सेवा दल के जो जितने भी हमारे मेरे साथ जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश की संगीता शर्मा जी है, सह प्रभारी है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की, ब्लॉक प्रेजिडेंट है हमारे सुरेंद्र जी भोरे से, ब्लॉक प्रेजिडेंट है हमारे राजेश्वर कटोच जी स्वयं से, ब्लॉक प्रेजिडेंट हमारे गोपाल कृष्ण जी हैं वो हमीरपुर ब्लॉक के हैं, बाकी और भी हमारे जो साथी यहां पर आए हुए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और हम सभी जयराम जी से यही मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय जो अब जल्द से जो इसकी जिस पर जांच करवाई जाए। साथ ही अगर और साथ ही हम इसलिए भी मांग करते हैं यहां पर हिमाचल में जब भी जयराम जी ने अपना कार्यभार संभाला है हिमाचल प्रदेश में त्राही त्राही मची हुई है यहां पर, ना ही कोई यहां पर अच्छे कार्य हो रहे हैं ना कोई विकास के कार्य हो रहे हैं और लोगों के बीच वो गुस्सा फूट रहा है सेवा बनकर और कोरोना महामारी के बीच भी ये कुछ नहीं कर पाए। हर जगह पर ये जयराम जो है वो फेल है, भाजपा सरकार जो फेल है।